हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो टेक फेडी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप एडअराउंड एड नेटवर्क से विड्रॉल ले सकते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि एडअराउंड से कैसे विड्रॉ लेते हैं वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको एडअराउंड से विड्रॉल लेने में परेशानी हो रहा है तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, ताकि आप पूरा प्रोसीड्योर समझ पाए कैसे एडअराउंड से बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा एडअराउंड अकाउंट, पहले मैं $14 का विड्रॉ ले चुका हूँ ऑलरेडी, उसका भी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। सो वो भी मैं दिखाऊंगा एंड पहले देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कैसे एडअराउंड से विड्रॉ लेते हैं। सो एडअराउंड से विड्रॉ लेने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन पे जाना है। सो बिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे $2.23 अभी बना है, जिसका ADS वैल्यू 1.58 ADS है। सो 1.58 ADS, जिसका USD वैल्यू $2.23। मैं ऑलरेडी 14 ADS का मैं विड्रॉल ले चुका हूँ, जो कि लगभग $20 के आसपास है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे विड्रॉ कैसे लेते हैं। सो यहाँ पे विड्रॉ लेने के लिए आपको विड्रॉ फंड पे क्लिक कर देना है। विड्रॉ फंड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट एड्रेस मांग रहा है, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस आपका शो होगा ADS में और नीचे देख सकते हो मैसेज। सो हर एक को फिलअप सही से करना है। एक बार आपका करेंसी गुम हो गया तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जैसे कि मैं पिछले एडअराउंड का वीडियो जब बनाए थे, तब बोला था कि ग्रेवियक्स में ADS जो कॉइन है, ये जो ADS टोकन है, ये ग्रेवियक्स एक्सचेंज पे लिस्टेड है एंड ग्रेवियस एक्सचेंज पे LTC पेयर एंड BTC पेयर में लिस्टेड है। सो यहाँ पे आपको ग्रेवियक्स में पहले एक अकाउंट बना लेना है। सो अकाउंट बनाने के बाद आपको ईमेल वेरीफाई करना है। यहाँ पे KYC मैंडेटरी नहीं है, अगर कम अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो KYC यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। सो यहाँ पे फर्स्ट ईमेल वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे इनेबल करेंगे, वो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आता है, जैसे कि स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा। ये इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है एंड वहाँ से आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ही आप फंड सेक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको पहले जाना है फंड सेक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ADS। सो आप देख सकते हो एडअराउंड का जो लोगो है, यहाँ पे भी एडअराउंड का जो लोगो है वो ही वाला यहाँ पे शो हो रहा है, एक बार सही से चेक कर लेना। एंड यहाँ पे लिखा है एड्स शेयर्स कॉइन, ठीक है, सही से चेक कर लेना है। अगर गलत होता है तो आपका पैसा गुम हो जाएगा, तो क्रिप्टो करेंसी में डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर सही से करोगे तो कोई भी दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिपॉजिट पे। डिपॉजिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो दो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, एक एड्रेस है और एक पेमेंट आईडी है। सो पहले एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अकाउंट एड्रेस के जगह पे पेस्ट कर देंगे। ओके, अकाउंट एड्रेस के जगह पे देख लेना एक बार एड्रेस सही से पेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टिक भी दिखेगा। तो यहाँ पे मैं जो भी ADS यहाँ पे है विड्रॉ कर लेता हूँ। सो विड्रॉ मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ पे कितना ADS लेफ्ट रहेगा वो भी दिखाएगा और कितना विड्रॉ आप कर रहे हो वो भी दिखाएगा, ठीक है। और ये मैसेज सेक्शन पे आपको क्या डालना है, यहाँ से देखिए सेकेंड वाला पेमेंट जो आईडी है इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और उसके बाद मैसेज सेक्शन पे इसको डाल देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। विड्रॉ पे क्लिक करते ही आपका मेल आईडी पे एक मेल आएगा। कौन सा मेल आईडी पे मेल आएगा, आपका जो ADS का अकाउंट है जिस मेल आईडी से कनेक्टेड है उस मेल आईडी पे मेल आएगा।
सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मेल आ चुका है, कितना अमाउंट एक बार वेरीफाई आपको कर लेना है, उसके बाद कंफर्म विथड्रॉ पे क्लिक कर देना है। सो आप जैसे कि देख सकते हो विड्रॉल कन्फर्म्ड, यू शुड सी द ट्रांजेक्शन इन योर अकाउंट हिस्ट्री। ओके, इसको आप क्लोज कर लेते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस दिखाएगा, ये पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ देर बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि मेरा पहला $14 का जो ये हुआ था विड्रॉ मैं किया था वो एक्सेप्टेड दिखा रहा है जैसे, तो ऐसे ही एक्सेप्टेड आपको यहाँ पे भी शो करेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला एक्सेप्टेड हो गया, तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे ग्रेवीएक्स में आया है या नहीं आया है। सो यहाँ पे ग्रेवीएक्स में चेक करने के लिए आपको जस्ट डायरेक्टली फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, फंड सेक्शन को। तो जैसे कि आप देख सकते हो ADS यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ADS, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो क्रेडिट हो चुका है 1.5840 जो ADS था वो क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट अगर होगा तो कभी कभी क्रेडिट नहीं होता है, उस केस के लिए आपको यहाँ पे टिकट सेक्शन पे जाके एक टिकट क्रिएट कर देना एंड वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन कर देना, तो ये लोग क्रेडिट कर देता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करना है, ग्रेवीएक से फॉसेट में विड्रॉल ले सकते हो, मैं तो डायरेक्टली बाइनेंस में विड्रॉल देता हूँ, कोई भी एक्सचेंज पे आप विड्रॉल ले सकते हो। अब क्या करना है, आपको ये जो ADS है इसको दूसरा कॉइन में कन्वर्ट करना है, दूसरा टोकन में कन्वर्ट करना है। ADS ग्रेवीएक्स में LTC एंड BTC पेयर में है, सो मैं LTC में कन्वर्ट करूँगा एंड उसको विड्रॉ करूँगा बाइनेंस में। आप लोग बाइनेंस भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी एक्सचेंज आप यूज़ कर सकते हो विड्रॉ लेने के लिए। सो यहाँ से आपको डायरेक्टली मैं बाइनेंस में कैसे विड्रॉ लेते हैं वो दिखाऊंगा एंड उसके बाद बाइनेंस से तो आप P2P मेथड में बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाओगे। यहाँ से डायरेक्ट बैंक अकाउंट का कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं बाइनेंस पे यहाँ से विड्रॉ लेता हूँ, उसके बाद मैं बैंक अकाउंट में बाइनेंस से ट्रांसफ़र करता हूँ P2P मेथड में। यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड पे चलेंगे और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ADS/LTC, क्योंकि ADS को LTC में मुझे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सर्च कर लेना है ADS/LTC। सो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है तो ADS सिर्फ सर्च कर लेते हैं, कौन कौन सा पेयर में है दिखेगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं LTC पेयर है, सो इसको चूज कर लेना है, कर देना है ADS/LTC के ऊपर। ओके, अब क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक बाइंग ऑप्शन एक सेलिंग ऑप्शन। सो गाइज, क्रिप्टो करेंसी इज सब्जेक्टेड टू मार्केट ट्रिक्स, जो भी आप ट्रेड करोगे अगर ट्रेडिंग में लॉस होगा तो आपका होगा एंड प्रॉफिट भी आपका ही होगा, सो केयरफुली ट्रेड आपको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो LTC एंड ADS/LTC। सो टोटल मेरे पास जो ADS है 1.5840, इसको मैं सेल करूँगा, सो इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सो इसके ऊपर जस्ट एक बार क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे LTC किस प्राइस में आप सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है उसमें ही मैं सेल कर देता हूँ। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट प्राइस है, सो यहाँ पे इस प्राइस में करेंगे तो तुरंत सेल हो जाएगा एंड अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग फी 0.2% काटता है, सो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं सेल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे सक्सेस करके दिखा रहा है। सो अब ये सेल होने में टाइम लग सकता है, सो यहाँ पे हिस्ट्री पे चलेंगे। तो हिस्ट्री पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल हुआ है या नहीं हुआ है, एवरेज प्राइस या तो एवरेज प्राइस इतना एंड ये सेल अभी ओपन है, कंफर्म नहीं हुआ है। जब
कंफर्म हो जाएगा वो डन करके दिखाए, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे सेल हो चुका है, जो ADS था वो कन्वर्ट हो चुका है LTC में। अब इसको मैं बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज में विड्रॉ ले सकता हूँ। सो इसको बाइनेंस में विड्रॉ लेने के लिए आपको फंड सेक्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा LTC जो है अमाउंट है यहाँ पे ऐड हो चुका है, और यहाँ पे ADS देखोगे तो ADS बिक चुका है। अभी इसको क्या करना है, विड्रॉ करना है। सो इसको विड्रॉ करने के लिए आपको विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। विड्रॉ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको LTC एड्रेस मांगेगा, एंड ये मैं पहले से ही $14 का विड्रॉ ले चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरा एड्रेस ऑलरेडी पेस्टेड है। सो आपको यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली बाइनेंस ओपन कर लेना है, यहाँ पे डिपॉजिट सेक्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको LTC को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं LTC एड्रेस। सो इसको कॉपी करना है एंड जस्ट यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एटलीस्ट 0.008 LTC आप अगर आपके पास होगा तभी आप सेल कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं विड्रॉ ऑल पे क्लिक करता हूँ। सो आप देख सकते हो टोटल जो LTC है वो यहाँ पे आ चुका है। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपका ओपन कर लेना है। सो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन करते ही यहाँ पे 6 डिजिट का एक पिन दिखाएगा, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। सो मैं डाल देता हूँ। सो जल्दी से आपको डालना होगा यहाँ पे पिन, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो सबमिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे डन दिखा रहा है, मतलब ये सेंड हो चुका है। अब क्या मैं क्या करूँगा, बाइनेंस ओपन करूँगा और वहाँ पे देखूँगा क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन सेक्शन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, डिपॉजिट मतलब हुआ है नहीं हुआ है, सब सारा कुछ आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन। सो लेट्स जस्ट आपको चेक करते रहना है। सो ये ट्रांजैक्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है एंड डिपॉजिट हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि मुझे मैसेज मिल चुका है, यू हैव सक्सेसफुली डिपॉजिटेड इतना LTC। सो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो इतना अमाउंट LTC आ चुका है मेरे बाइनेंस अकाउंट में। एंड यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको बाइनेंस LTC में आ गया, आप इसको डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो या तो अब इसको USD में कन्वर्ट करके भी सेल कर सकते हो। सो यहाँ पे P2P मेथड में जाना एंड यहाँ पे सेलिंग ऑप्शन पे कोई किसी को सेल कर सकते हो। इसका पूरा P2P मेथड मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी ADS का वीडियो में, एंड फॉसेट में विड्रॉ कैसे लेते हैं उसमें भी समझाया हूँ। सो आई बटन पे एक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।